हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंड। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैंने 2 साल तैयारी की, 1 साल मुझे हो चुका है, मुझे 3री साल है, स्टिल मेरा पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो शायद एक ऐसा मौका आपके पास आए जिसमें आप अपना सिलेक्शन ले पाएँ। देखो क्या है कि आज के समय में कोई भी गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल भी आसान नहीं है। जिन लोगों को अगर अलॉटमेंट मिला है, उनको बैंक अलॉट हुई है, तो उसके पीछे दोस्तों कई सालों की मेहनत रही होगी, कुछ उनके ऊपर एक अच्छा लग भी रहा होगा और उन्होंने एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है वो अपनी बनाकर रखी होगी। क्योंकि मैं ऐसा कहूँगा कि बैंकिंग एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेने का कोई शॉर्टकट तो नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको 6 से 7 महीने में सक्सेस मिल जाती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 साल 3 साल लगा देते हैं फिर भी सक्सेस नहीं मिलती है। 1-2-3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर आप आने वाले समय में फोकस करोगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। देर मिलेगी लेकिन ये निश्चित रहेगी। पहली चीज़ ये है कि हमें अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना चाहिए, कंसिस्टेंट हमें रहना पड़ेगा। अगर आप 2-3 महीने एग्ज़ाम से पहले बहुत एक्टिव हो जाते हो, उसके बाद लूज़ पड़ जाते हो, तो वही चीज़ें दोस्तों जो गैप है, ये आज की डेट में जो पेन मिल रहा है, ये उन्हीं सारी चीज़ों का नतीजा है। कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिन्होंने बिल्कुल गैप नहीं किया होगा, बहुत मेहनत की होगी, रात दिन एक कर दिया होगा, लेकिन फिर भी वो यही कहेंगे कि मेरा बैड लक था, मेरा पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ। मैं दोस्तों इन सारी चीज़ों को साइडलाइन करके यही कहूँगा कि अगर आपको नौकरी लेनी है, आप ही में से बहुत सारे लोग सेलेक्शन अपना अपना लेते हैं, तो हमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक तो हमें अपनी परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंटली मॉनिटर करना पड़ेगा, दूसरी चीज़ है कि हमें रेगुलर रहना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप अपनी चीज़ों को नहीं समझोगे तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा आपको लगेगा कि यार काश थोड़ी मेहनत और कर ली होती, काश थोड़ा टाइम और दे लिया होता, क्योंकि साल दर साल निकल जाएंगे, आप ओवर एज हो जाएंगे और फिर जो है आने वाले टाइम पर कोई भी और रास्ता नहीं मिलेगा। तो हारो मत, अगर आपको फेलियर मिली है तो आप 1-2 दिन 3 दिन 7 दिन का एक अच्छा सा रेस्ट लो, उसके बाद अपना एक मेगा प्लान डिसाइड करो। इस साल भी IBPS का कैलेंडर आया हुआ है, रिक्रूटमेंट होगा, चाहे कंपटीशन कितना भी टफ क्यों ना हो जाए, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत टफ होगी तो वो कंपटीशन अपने आप लेवल डाउन उसका हो जाएगा। तो हमें ऑलमोस्ट इन चीज़ों के ऊपर समझना है कि मुझे अपनी तैयारी एक ऐसे लेवल की कर लेनी है कि पेपर कैसा भी आए मुझे उन सारे चीज़ों को क्वालिफाई करना है। हर एक सिचुएशन से निपटने के लिए अपनी तैयारी को आगे और भी इम्प्रूव करते रहना है। और अगर आप हार मान लोगे तो आज आप इतना सोचो कि आपने मेंस दिया, पहले आपने प्री क्वालिफाई किया, फिर आपने मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, और आज की डेट में आप ये सोच रहे हो कि यार मैं छोड़ दे रहा हूँ, तो आगे अगर आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी है, बेहतर अपॉर्चुनिटी है, तो आप ज़रूर जाएं। और अगर आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है और आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप कोई ना कोई साइडलाइन जॉब स्टार्ट रखो और अपनी तैयारी को देखते जाओ। जब एग्ज़ाम आए तो वहाँ पर लीव ले लेना, बस यही कह सकता हूँ। लेकिन कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाओ कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है, करना कुछ नहीं। एक IAS तैयारी करने वाला बंदा जब तक जंग जीत नहीं जाता तक लगा रहता है, वो बात अलग है कि वो ओवर एज हो जाए फिर उसका किसी दूसरे एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन वो लगा रहता है और उन्हीं सारी चीज़ों का नतीजा उसको एक जॉब की फॉर्मेट में देखने को मिलता है। तो आप भी अपने आप को बिल्कुल कम मत आको, ये मत सोचो कि मेरा नहीं हुआ, अब मैं बिल्कुल अधूरा हो गया हूँ, लाइफ बर्बाद हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक नया चैप्टर में देकर गया है कि हमारे जो फेलियर्स आए हैं वो हमारी कुछ कमियों की वजह से है, हमें उन कमियों को दूर करना है और अपनी तैयारी को आगे लेकर जाना है। एक चीज़ जाते जाते आपको ज़रूर कहूँगा कि प्रैक्टिस मॉक के जो मॉक टेस्ट मार्केट में अवेलेबल है, आप लोग इनके फ्री मॉक को ज़रूर बनाएं, और जो जो एग्ज़ाम्स आपका है आप इनके मॉक टेस्ट को बनाओगे आपको बेनिफिट 100% मिलेगा। क्योंकि पेपर, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चंस इन्होंने रखे हैं जिस पर आपको अपना माइंड मूव करना पड़ेगा, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हम आने वाले टाइम पर लगभग 10-12 अप्रैल के आसपास से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, और SBI क्लरिकल, SBI PO और भी बहुत सारे एग्जाम्स होंगे जिनको हम लोग आगे टारगेट करेंगे। सो गाइज, मेरी यही आपके लिए कहना होगा कि आप 0 से इस लेवल पर पहुँचे हैं तो आप अपने आप को और आगे लेकर जाएं, और अपनी अच्छी सक्सेस को बरकरार रखने के लिए आपको अभी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा जिस किसी तरीके से आपको हेल्प मार्गदर्शन चाहिए होगा, मैं आपकी मदद ऑलवेज करूँगा। तो मेरे चैनल से कनेक्टेड रहें, मुझे अपनी क्यूरीज लिखें, और आगे हम लोग साथ में मिलकर आगे एक ऐसा एक जो है मोमेंटम बनाएंगे कि जो हमें सक्सेस की ओर मूव कराएगा।
सो गाइस बिल्कुल हारने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद दुखी हूँ जो ऐसे लोग जो कि नहीं सफल हो पाए, लेकिन जो हार जाएगा वो तो इस मार्केट से बाहर हो जाएगा, आगे हम फिर मिलेंगे। यही कहूँगा कि हारो मत, लड़ो और अपने आप को प्रूव करके दिखाओ कि यस यू कैन डू इट। तो आगे हम फिर मिलेंगे, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।